दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, काउंसलिंग में इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। 5 मई को इसका टेस्ट हुआ था और जो पास हुए हैं 4 जून को, वो स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी, और उसके लिए हमें पहले से ही इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी तैयार रखने पड़ेंगे। यानी इस काउंसलिंग में वही छात्र पात्र होंगे जो नीट परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नीट UG 2024 री एग्ज़ाम रिजल्ट घोषित कर दिया है। नीट 2024 संशोधित रिजल्ट के साथ नीट UG 2024 में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई है। इस साल 13,16,000 बच्चों ने मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी तकरीबन 23 लाख बैठे थे स्टूडेंट और 13 लाख तकरीबन पास हुए हैं जिन्हें नीट 2024 काउंसलिंग के शुरू होने का इंतज़ार है। MBBS, BDS और BSc नर्सिंग सीटों के आवंटन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC द्वारा 6 नीट UG 2024 काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा करने की उम्मीद है। MCC जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट MCC.NIC.in पर विस्तृत नीट UG 2024 काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी। इससे नीट UG 2024 काउंसलिंग के चरण का पता चल सकेगा। इसके साथ ही नीट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी, ये भी अपनी MCC जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगी। पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फाइलिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी। ऐसे में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नीट UG काउंसलिंग 2024 की रजिस्ट्रेशन के दौरान पड़ेगी, यानी नीट काउंसलिंग जो होगी नीट 2024 की, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करके पहले से ही रखना है, ये हम अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नीट UG 2024 काउंसलिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है एडमिट कार्ड, नीट UG 2024 स्कोर कार्ड चाहिए इसमें, और जिन्होंने पुनः परीक्षा दी है उनके जो संशोधन हुआ है उसके साथ उसका स्कोर कार्ड चाहिए। दूसरा अगला डॉक्यूमेंट जो है वो है कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जन्मतिथि के लिए। ये जो मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो जन्मतिथि की सत्यता जांच करने के लिए चाहिए। कक्षा 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 6 से 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, 6 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए, जैसा कि हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई एक चीज़ हो, लास्ट अटेंडेंट संस्थान से करेक्टर सर्टिफिकेट। अगला जो डॉक्यूमेंट है जिसकी आवश्यकता है वो है माइग्रेशन प्रमाण पत्र, अगर लागू है तो। श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यानी जाति का अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर हमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है अगर SC ST से हैं। नीट UG का संशोधित रिजल्ट इस साल नीट विवादों में है। 5 मई को आयोजित नीट UG 2024 परीक्षा में स्कोरिंग में अनियमितताएँ के आरोप लगे थे। ग्रेस मार्क्स का विरोध किया गया था, जिसके बदले NTA ने 23 जून को 1563 उम्मीदवारों के लिए नीट UG री एग्ज़ाम 2024 का आयोजित किया था। कुल 1563 उम्मीदवारों में से 813 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि शेष 48% ने बिना ग्रेस मार्क्स के अपने मूल स्कोर को बनाए रखने का विकल्प चुना। नीट UG री एग्ज़ाम रिजल्ट 2024 सभी UG नीट आवेदकों के लिए अंतिम रैंक निर्धारित करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीट UG टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई है। NTA जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करेगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए हमारे वीडियो शेयर भी करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलशन हमारा।